और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र के अकोला से। कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार होती है वो शाही परिवार का एटीएम बने हैं। हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, ये वो तमाम प्रदेश गिनवा दिए, तमाम राज्य गिनवा दिए, इनके एटीएम बन गए हैं। ये प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटक में वसूली हो रही है। आइए आपको सुनवाते हैं इसके अलावा और क्या बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही। तो पूरा देश जानता है महाअगाड़ी यानी भ्रष्टाचार, महाअगाड़ी यानी हजारों करोड़ के घोटाले, महाअगाड़ी यानी पैसों की उगाही, महाअगाड़ी यानी टोकन मनी, महाअगाड़ी यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा। मैं महाअगाड़ी की घटक कांग्रेस का एक उदाहरण आपको देता हूं। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। एटीएम पता है ना, लोग उसमें से पैसे निकालते हैं, एटीएम। ये कांग्रेस का एटीएम बन जाता है, शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। एटीएम लोग बता रहे हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटका में वसूली डबल हो गई है। चुनाव महाराष्ट्र में, वसूली डबल हो रही है कर्नाटका में, तेलंगाना में। आरोप है कि कर्नाटका में इन लोगों ने शराब के दुकानदारों से 700 करोड़ रुपए की वसूली कराई है। महाअगाड़ी यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा। मैं महाअगाड़ी की घटक कांग्रेस का एक उदाहरण आपको देता हूं। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। एटीएम पता है ना, लोग उसमें से पैसे निकालते हैं, एटीएम। ये कांग्रेस का एटीएम बन जाता है, शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। एटीएम लोग बता रहे हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटका में वसूली डबल हो गई है। चुनाव महाराष्ट्र में, वसूली डबल हो रही है कर्नाटका में, तेलंगाना में। आरोप है कि कर्नाटका में इन लोगों ने शराब के दुकानदारों से 700 करोड़ रुपए की वसूली कराई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।